राज्य श्यामा जी की अपार मेहर से परम धाम की अलौकिक शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बढ़ती है रंग महल की तीसरी भूमिका की ओर। श्री राज श्यामा जी जब तीसरी भूमि की पर्शाल में बैठते हैं तो उनका दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। रंग महल की तीसरी भूमिका में श्री राज श्यामा जी दोपहर प्रातःकाल 6 बजे से 12 बजे तक बैठती है। सखियों के संग कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री राज श्यामा जी 12 बजे से 3 बजे तक तीलू न तीलू मंदिर में सुख से जल पर विश्राम की लीला करते हैं। तीजी भूम की पर्शाल को बड़ी बैठक करके भी कहा गया है। दूसरी भूम में है और रंग महल की तीसरी भूमिका में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? दूसरी भूम से तीजी भूम की पर्शाल की तरफ आने हैं तो किस प्रकार से आएंगे? रंग महल की दूसरी भूमिका पहली चौरस हवेली में खुद को महसूस करें। उत्तर दिशा में जो सीढ़ियों वाला मंदिर है उन मंदिर के भीतर जाएं, भूम पर की सीढ़ियां चढ़ें। सीढ़ियां चढ़कर सीढ़ी वाले मंदिर की उत्तर मेहराब से बाहर निकल आए और अपने दक्षिण तरफ चले। मुख्य दरवाजे को पार करके हवेली के भीतर आए और एक मुख्य दरवाजे को पार करके हवेली से बाहर आए। आगे 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक के 5 मंदिर चलेंगे तो 28 स्तंभ के पूर्व के थंबों तक पहुंच जाएंगे। 28 स्तंभ के चौक के पूर्व दिशा के थंबों के बीच में खड़े हैं और ये मुख्य दरवाजे की स्थान है। मुख्य दरवाजे का स्थान, मुख्य दरवाजे 28 स्तंभ के मध्य जो ये एक मंदिर की गली आई है, इन गली में तीजी भूमि में क्या शोभा आई है उसका वर्णन हुआ है। पूर्व में शोभा देख चुकी है कि रंग महल की प्रत्येक भूमि में धाम दरवाजे के मंदिर को पार करते हैं तो एक मंदिर की गली आगे 28 स्तंभ का चौक, तो भी शोभा का वर्णन होने जा रहा है 28 स्तंभ के चौक और इन धाम दरवाजे के मध्य ये जो गली है, इन गली में जो शोभा आई है उसका। रंग महल की तीसरी भूमिका 28 स्तंभ का चौक, इन चौक के पूर्व तरफ एक चबूतरा शोभायमान है। 28 स्तंभ चौक के पूर्व में जो रोस की जगह है उन रोस पर एक चबूतरे की शोभा आई है। चबूतरे का निशान, ये जो चबूतरा आया है ये चबूतरे की पश्चिम दिशा हुई। इन पश्चिम दिशा में देखेंगे 4 थंब आए हैं, पहला थंब, दूसरा थंब, तीसरा और चौथा। मध्य रोस पर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की पश्चिम किनार पर 4 थंब, जिनमें जो मध्य के थंब है वो 2 मंदिर के अंतर से आए हैं तो उन पर 2 मंदिर की बड़ी मेहरा, दाएं बाएं एक एक मंदिर के अंतर से आए हैं वहां पर 1 मंदिर की मेहरा। 2 मंदिर की जो मध्य की मेहराब है इनमें सीढ़ियां उतरी हैं। उत्तर से दक्षिण तो 2 मंदिर की लंबी ये सीढ़ियां, 3 सीढ़ियां 28 स्तंभ के चौक में उतरी हैं। ये सीढ़ियां 1 हाथ ऊंची है और 1 ही हाथ चौड़ी है। ये जो
तीन सीढ़ियां 28 स्तंभ के चौक में उतरी, इनके दोनों ओर कठेड़ी की शोभा। और ये जो दो मंदिर के मेहराब के दोनों ओर एक एक मंदिर की मेहराब आई है, इनमें भी कठेड़ी की शोभा आई है। अति सुंदर नूर में ही कठेड़ी की शोभा। ये जो चार थंभों की अभी शोभा देखी, इनके दाएं बाएं तीन तीन थंभ 28 स्तंभ के चौक के आए हैं। यह यूं कहे 28 स्तंभ के जो पूर्व तरफ के 10 थंभ है, उनमें चार थंभ इन चबूतरे की पश्चिम किनार पर आए। चबूतरे की पश्चिम किनार की शोभा देखी। अब देखते हैं उत्तर और दक्षिण। पहले दक्षिण तरफ की शोभा देखते हैं। एक मंदिर की चौड़ी इन जगह में 25 हाथ में नूर में सीढ़ियां उतरी और दाएं बाएं जो 37.5 हाथ रह गए वहां पे कठेड़ा। ठीक इसी प्रकार की शोभा उत्तर दिशा में भी आई है। इन शोभा को मदाशिव जी के प्रदर्शन से भी देखते हैं। रंग महल की तीसरी भूमिका 28 स्तंभ का चौक। इन चौक के पूर्व तरफ चार मंदिर का तो लंबा और एक मंदिर का चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। चबूतरे की पश्चिम किनार पर चार थंभ आए, मध्य में दो मंदिर की मेहराब, दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। मध्य मेहराब से सीढ़ियां उतरी दो मंदिर की लंबाई लेकर। सीढ़ियां अति सुंदर तीन सीढ़ियां 28 स्तंभ के चौक में उतरती हुई, एक हाथ की ऊंची और एक ही हाथ की चौड़ी। सीढ़ियों के दोनों ओर नूर में रेलिंग और दोनों जो एक एक मंदिर की मेहराब आई है, इनमें भी सुंदर कठेड़ी की शोभा। उत्तर दक्षिण शोभा देखते हैं। चबूतरे की उत्तर दक्षिण किनार की तो एक मंदिर की चौड़ी इन किनार में 25 हाथ में सीढ़ी उतरी और दाएं बाएं 37.5 हाथ में कठेड़ा। तो इस तरह से 28 स्तंभ के चौक के पूर्व दिशा में चार मंदिर के चबूतरे की शोभा हुई। तो ये शोभा हुई चार मंदिर का चबूतरा। तो इस तरह से ये अलौकिक शोभा हुई तीसरी भूम में 28 स्तंभ के चौक के पूर्व तरफ रोस पर चार मंदिर के चबूतरे की। अति सुंदर शोभा इन चबूतरे की। चबूतरे पे सुंदर नूरमयी किलम की शोभा, बैठकों की शोभा। इन चबूतरे के पश्चिम तरफ 28 स्तंभ के चौक में उतरती विशाल तीन सीढ़ियां और उत्तर दक्षिण तरफ भी सीढ़ियों की शोभा। पूर्व में शोभा देखी चार मंदिर के चबूतरे की। 28 स्तंभ के चौक से तीन सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आते हैं। इन चार मंदिर के चबूतरे की पूर्व तरफ 10 मंदिर की दहलान की शोभा आई है। उन शोभा को अब देखते हैं। श्री रंग महल की तीसरी भूम 28 स्तंभ का चौक पूर्व में रोस पर चबूतरे की शोभा। चबूतरे की पश्चिम किनार पर चार थंभ तीन तीन थंभ दाएं बाएं। इन चबूतरे के पूर्व तरफ देलान की शोभा आई है। इनका वर्णन अब। चार मंदिर के चबूतरे पर खुद को देखते हैं। चबूतरे की पूर्व तरफ देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण 10 मंदिर की लंबी, पूर्व से पश्चिम एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी दहलान आई है। मलाशिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं। 28 स्तंभ के चौक का निशान पूर्व दिशा। 28 स्तंभ के चौक के पूर्व में चार मंदिर का तो लंबा और एक मंदिर का चौड़ा चबूतरा तीन सीढ़ी। चबूतरे के पश्चिम किनार पर चार थंभ, मध्य में दो मंदिर की मेहराब जिनसे सीढ़ियां उतर रही है, दाएं बाएं भी सीढ़ियां उतरती हुई। इन चार मंदिर के चबूतरे की पूर्व तरफ उत्तर से दक्षिण 10 मंदिर और पूर्व से पश्चिम एक मंदिर की चौड़ी दहलान की शोभा आई है।
ये जो 10 मंदिर की दहलान है, इन दहलान की पश्चिम दिशा की शोभा देखते हैं। दहलान की पश्चिम दिशा की 10 मंदिर की उत्तर से दक्षिण इन दहलान में ठीक मध्य में 4 मंदिर के स्थान पर 4 थंब आए हैं। मध्य के जो 2 थंब हैं 2 मंदिर के अंतर से आए हैं, दाएं बाएं एक एक मंदिर में। तो ठीक मध्य में तो 2 मंदिर की मेहराब की शोभा हुई, दाएं बाएं एक एक मंदिर। इन 4 थंबों के दाएं बाएं उत्तर दक्षिण 3-3 मंदिरों की शोभा हुई। दाएं बाएं या यूं कहें उत्तर दक्षिण जो 3-3 मंदिर आए हैं, उत्तर दिशा में 3 मंदिर और दक्षिण दिशा में ये 3 मंदिर, इन दक्षिण दिशा के मंदिरों के जो पश्चिम तरफ की शोभा है वो बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा के 3 मंदिर, इन मंदिरों की जो पश्चिमी दीवार है, इन दीवार पर 3 अक्षी मेहराबे आई हैं, उनमें से 1 अक्षी मेहराब का वर्णन करते हैं। एक बड़ी अक्षी मेहराब मंदिर मंदिर की हद पर थंब उठे 44 हाथ ऊंचे, उन पर 44 हाथ की मेहराब, मेहराब की नोक पर और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, इनमें 3 मेहराबे, ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं सुंदर दीवालों की शोभा, दरवाजे के आगे 33 हाथ की चौक की शोभा हुई, 33 हाथ की लंबे चौड़े चौक की शोभा। इन चौक के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 3-3 सीढ़ियां इन रोस पर उतरी हैं और इन चौक के पश्चिम तरफ कठेड़ी की शोभा आई है। पूर्व में देख चुकी हैं 4 मंदिर का चबूतरा, ये 10 मंदिर की दहलान तीसरी भूम की शेष भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। तो इन मंदिरों में है और इन गली में चलना है, तो इन दरवाजे से निकलेंगे तो सामने 33 हाथ का लंबा चौड़ा नूरमयी चौक, चौक के उत्तर और दक्षिण तरफ सुंदर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, चौक के पश्चिम तरफ और सीढ़ियों के भी पश्चिम तरफ भीतर रोज की तरफ कठेड़ी की शोभा, अति सुंदर शोभा इन चांदों की। जैसे इन एक मंदिर की शोभा हुई, ऐसे इन 2 मंदिरों में भी सीढ़ियां उतरी है और इन 3 मंदिरों में उत्तर दिशा के 3 मंदिरों में इसी प्रकार से शोभा आई है। इन शोभा को जूम करके विस्तार से देखते हैं। चार मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 3 मंदिर, दक्षिण दिशा के 3 मंदिर, इनकी पश्चिमी दीवार, इन दीवार पर 3 अक्षी मेहराबे, 1 अक्षी मेहराब का वर्णन करें तो 1 अक्षी मेहराब में 3 मेहराबे जिसमें ठीक मध्य में दरवाजा, 33 हाथ का चौड़ा, 30 हाथ का ऊंचा, ऊपर 3 हाथ की मेहराब। इन दरवाजे के ठीक सामने ये देखिए चांदी की शोभा, 33 हाथ के लंबे चौड़े और दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, चांदे के पश्चिम तरफ कठेड़ा और सीढ़ियों की विरोध की तरफ यानी पश्चिम तरफ सुंदर कठेड़ी की शोभा। दलान की पश्चिम तरफ देखा, ठीक मध्य में 4 थंब जिनमें मध्य में 2 मंदिर की मेहराब, दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब और इन दहलान के दोनों ओर 3-3 मंदिर जिनसे चांदी से उतरती सीढ़ियां देखी। अब दहलान की ये जो पूर्व दिशा आई है उनका वर्णन हो रहा है। दहलान की पूर्व दिशा जिन पर 10 थंबों की शोभा हुई, दहलान की पूर्व जो दिशा है उन पर 10 थंब आए हैं जिन पर 9 मेहराबे आई, मध्य की मेहराब तो 2 मंदिर की चौड़ी और 4 मेहराबे इधर 4 इधर, ये मेहराबे एक एक मंदिर की चौड़ी आई हैं।
नव मेहराबे मध्य की मेहराब दो मंदिर की चौड़ी और दाएं बाएं की एक एक मंदिर की चौड़ी आई है। इस तरह से दहलान के पश्चिम और पूर्व तरफ की शोभा हुई। अब दहलान के जो बगल में ये जो बगली शोभा आई है इनका वर्णन। बगली जो ये मेहराबे आई है इनमें आठ मेहराबे तो खुली हैं। आठ कौन सी? ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये मेहराबे तो खुली हैं। और ये दो मेहराबे जो तीसरा मंदिर है उसकी जो चौथे मंदिर की तरफ वाली जो मेहराब है वो अक्षी मेहराब आई है। बगली दस मेहराबे एक एक मंदिर की चौड़ी आई है, जिसमें आठ मेहराबे खुली, दो मेहराबे अक्षी आई है। अब वर्णन कर रहे हैं दक्षिण दिशा में जो अक्षी मेहराब आई है उनका। दक्षिण दिशा में ये जो अक्षी मेहराब आई है इनमें एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में तीन मेहराबे, ठीक मध्य में दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं नूरमयी दीवालों की शोभा आई है। ठीक मध्य में दरवाजा, उनके आगे तीन सीढ़ियां इन चौथे मंदिर में उतरी हैं। दीवार की मोटाई में ये सीढ़ियां हैं। इसी प्रकार की बनक उत्तर दिशा का ये जो दसवीं मेहराब है अक्षी, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य में दरवाजा, दरवाजे से तीन सीढ़ियां इन चौथे मंदिर में उतरी हैं। तो इस तरह से शोभा हुई दस मंदिर की दहलान की। इन नक्शे में देखते हैं मध्य में चार मंदिर की दहलान, मध्य में दो मंदिर की मेहराब, दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब, इस दहलान के दोनों ओर तीन तीन मंदिरों की शोभा। इस तरह से तीसरी भूमि में दस मंदिर की दहलान की शोभा को देखने का प्रयास किया। पूर्व में शोभा देखी, 28 थक के चौक के पूर्व में चार मंदिर का चबूतरा, चार मंदिर के चबूतरे के पूर्व में दस मंदिर की दहलान, दस मंदिर की दहलान के पूर्व में ये दस मंदिर का लंबा छज्जा आया है। अब इनकी शोभा का वर्णन। दहलान की शोभा ये जो हरे रंग में दिखा रखी है, इन दहलान के पूर्व तरफ दक्षिण से उत्तर तरफ तो दस मंदिर का लंबा और पश्चिम से पूर्व दो मंदिर का चौड़ा एक चरोखे की शोभा आई है। और इन चरोखे की जमीन, इन छज्जे की जमीन दहलान के समरूप आई। चार मंदिर के चबूतरे, दस मंदिर की दहलान और ये जो दस मंदिर का लंबा छज्जा है, ये तीनों तीसरी भूमि से, तीसरी भूमिका की जो शोभा है उनसे तीन सीढ़ी ऊंचे आई है। इस तरह से दस मंदिर की दहलान के पूर्व में दस मंदिर के लंबे छज्जे की शोभा हुई। ये जो दस मंदिर का लंबा छज्जा है, ये जो नीचे के दो चबूतरे हैं उनके ऊपर आया। छत्तीस स्तंभों पे आया है। वो छत्तीस स्तंभ कैसे हुए वो देखते हैं। ये देखिए, चार थम ये चबूतरे पर, चार थम दूसरी भूम के इन चरोखे पर, इसी तरह से यहां पर शोभा हुई। तो आठ और आठ, 16 थम पूर्व किनार के हुए, इसी तरह से 16 थम पश्चिमी किनार के हुए, तो 32 थम ये हो गए। और चार थम दो मंदिर के चौक के चारों कोनों पर जो चार थम हीरा के आए हैं, तो इस तरह से कुल 36 थम्बों पर इन दस मंदिर के छज्जे की शोभा है। और 42 मेहराबों पर, 42 मेहराबों की शोभा को भी देखते हैं।
चबूतरे के पूर्व किनार पर देखते हैं, एक दो तीन चार, चार मेहराबों की शोभा। अति सुंदर ये मेहराबे, पहली मेहराब हीरा और माणिक की, दो रंग की, दूसरी माणिक और पुखराज, पुखराज और पांच, पांच और नेलवी, ठीक इसी तरह से यहां शोभा आई। जरोखे पर भी इसी तरह से शोभा आई। तो इन चबूतरे और जरोखे की पूर्वी किनार पर चार चार मेहराबे, तो कुल 16 मेहराबे ये हो गई, और 16 मेहराबे इनकी पश्चिमी किनार पर हो गई। और ये देखिए उत्तर दक्षिण नीलवी की एक एक मेहराब आई, तो उत्तर तरफ की दो गिनेंगे और दक्षिण तरफ की दो गिनेंगे, 16 16 32 प्लस 4, 36 मेहराबे ये हुई। अब ये मध्य चौक पर एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम तरफ की 36 और 2 38 मेहराबे यहां हो गई। अब इन चौक में खड़े हैं तो दाएं बाएं देखेंगे तो उत्तर तरफ भी दो मेहराबे नजर आएंगी और दक्षिण तरफ भी, तो इस तरह से कुल 42 मेहराबे होती हैं। इस प्रदर्शन में ये शोभा देखी कि जो 10 मंदिर का छज्जा आया है, ये छज्जा दो मंदिर के चौक और दाएं बाएं चबूतरों पर आया है, कुल 36 स्तंभों पर आया है, और इन 36 स्तंभों पर जो 42 मेहराबे शोभायमान है उनके ऊपर इन छज्जे की शोभा हुई। इन्हें एक अन्य नक्शे से भी देखते हैं। दो मंदिर का चौक, दाएं बाएं चबूतरे, इनके ऊपर ये देखिए टीजी भूम का 10 मंदिर का लंबा छज्जा आया है। इन शोभा को कि तीजी भूम में 10 मंदिर के लंबे छज्जे की शोभा कैसे हुई, इन शोभा को प्रथम भूमिका से देखने का प्रयास करते हैं। 10 मंदिर का हास, ठीक मध्य में हीरा के दो थंब, माणिक पुखराज पांचों नीलवी, भूम दर भूम थंबों का क्रम यही रहा। तीसरी भूमिका में दहलान के पूर्व दिशा में मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरों के ऊपर एक छत आई, यही तीसरी भूम की परशाल भी कहलाई, या इसे 10 मंदिर का छज्जा कहे। 10 मंदिर का लंबा छज्जा या तीजी भूम की परशा, इनके पूर्व किनार पर 10 थंब आए हैं, मध्य के दो थंब मंदिर की दूरी पर आए हैं, शेष थंब एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो मध्य दो थंबों में मेहराब दो मंदिर की चौड़ी हुई और दाएं बाएं चार मेहराबे, चार चार मेहराबे एक मंदिर की चौड़ी आए हैं। नूरमयी अति सुंदर 10 थंबों पर 9 मेहराबे खुली, 10 स्तंभ खुले उन पर 9 मेहराबे खुली, मध्य की मेहराब दो मंदिर की जिनमें दो छत्रों की शोभा है। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं 10 मंदिर के लंबे छज्जे की पूर्व किनार पर 10 स्तंभ खुले आए हैं जिन पर 9 मेहराबे खुली आए हैं, मध्य की मेहराब हीरा की दो मंदिर की चौड़े आई है, दाएं बाएं इनके चार चार मेहराबे एक मंदिर की चौड़ी आई है। इन थंबों के दरमियान अति सुंदर कठड़ी की शोभा आई है, दो मंदिर की चौड़ी हीरा की मेहराब में सुंदर नूरमयी छत्रों की शोभा आई है। अब शोभा आगे देखते हैं, 10 मंदिर के लंबे इन छज्जे के दक्षिण तरफ की शोभा देखते हैं। 10 मंदिर का जो ये लंबा छज्जा है इनके दक्षिण तरफ देखते हैं तो नीलवी की एक मेहराब आई है, 134 हाथ की तो चौड़ी और एक मंदिर ऊंची, इसी तरह से शोभा उत्तर दिशा में भी आई है। नीलवी की अति सुंदर एक मंदिर ऊंची इन मेहराब में 134 हाथ की चौड़ी जो ये मेहराब है उनमें 100 हाथ में यानी एक मंदिर की जगह सुंदर नूरमयी कठेरा
रत्नों से जवेरातों से जड़ित अति सुंदर शोभा लिए आगे 30 हाथ में सीढ़ी इन 33 हाथ के छज्जे पर उतरी है। सीढ़ी के आगे पुनः 4 हाथ में कठेड़ा आगे 66 हाथ की जगह 66 हाथ के लंबे चौड़े कुर्ज ने दाबी है। इन शोभा को अन्य नक्शे से भी देखते हैं। दस मंदिर का लंबा ये छज्जा या तीजी भूमि की परशाल इनके दक्षिण दिशा में नीलवी की अति सुंदर मेहराब आई है 134 हाथ की तो चौड़ी और एक मंदिर ऊंची 134 हाथ जो चौड़ी ये मेहराब आई है इन मेहराब के नीचे 100 हाथ में सुंदर नूरमयी कठेड़े की शोभा है आगे 30 हाथ में सीढ़ियां 33 हाथ के छज्जे पर उतरी हैं, 4 हाथ में कठेड़ा आगे 66 हाथ का लंबा चौड़ा बुर्ज। इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखते हैं 134 हाथ की तो चौड़ी और एक मंदिर ऊंची नीलवी की अति सुंदर मेहराब मेहराब के कोण नोक पे और दाएं बाएं सुंदर अति सुंदर फूलों की शोभा इन मेहराब के नीचे एक मंदिर में तो सुंदर कठराया है आगे सीढ़ियां उतरी है 33 हाथ के छज्जे पर सीढ़ियों के आगे 4 हाथ की जगह में कठेड़ा आगे 66 हाथ की जगह 66 हाथ के लंबे चौड़े बुर्ज ने घेरी है ये बुर्ज का निशान। आगे शोभा देखते हैं। इन बुर्ज की शोभा आधा बुर्ज तो 10 मंदिर के लंबे छज्जे तीजी भूमि की परशाल पर आया है और आधा बुर्ज 33 हाथ के छज्जे पर आया है। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं जोक करके देखते हैं नीलवी की मेहराब इन मेहराब के नीचे एक मंदिर में सुंदर कठेड़ा 30 हाथ में जगह इन 33 हाथ के छज्जे पर उतरी इन सीढ़ी के आगे 4 हाथ में कठेड़ा आगे गोज की शोभा ये गोज आधा तो तीजी भूमि की परशाल या यूं कह 10 मंदिर के लंबे छज्जे पर आया है और आधा गोज 33 हाथ के छज्जे पर आया है। प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखती है 66 हाथ के लंबे चूड़े गुर्ज की शोभा सुंदर नूरमयी शोभा आधा गुर्ज 10 मंदिर के लंबे छज्जे पर आधा गुर्ज 33 हाथ के छज्जे पर इन 33 हाथ के छज्जे पर गुर्ज का आधा दरवाजा आया है। इनसे भीतर जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी उतरकर गुर्ज में जाएंगे क्योंकि चौखट 3 सीढ़ी ऊंची आई है। अब बुर्ज के चौक में है तो दाएं बाएं उत्तर दक्षिण और पूर्व दीवार की शोभा देखेंगे तो एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराब ठीक मध्य में दरवाजा दाएं बाएं जालीदार। बुर्ज की पश्चिम दीवार की शोभा देखेंगे तो वहां बुर्ज की पश्चिम दीवार में जो 2 दरवाजे आए हैं वो मंदिरों के आए हैं 2 मेहराबे आई हैं। ये उत्तर दिशा वाला मंदिर माने और ये दक्षिण दिशा वाले मंदिर की मेहराब माने तो बुर्ज की पश्चिम दिशा में ये 2 मेहराबे एक बार सोचिए कि इस तरह से 2 मेहराबे आई हैं। बुर्ज की पश्चिम दिशा में इस तरह से ये 2 मेहराबे आई हैं। अब हमें उत्तर दिशा वाले मंदिर में जाना है जो 10 मंदिर की दहलान का है तो यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर मंदिर में जाएंगे तो खुद को 10 मंदिर की लंबी दहलान में पाएंगे। 10 मंदिर की जो लंबी दहलान उत्तर दिशा वाला जो मंदिर है वो 10 मंदिर लंबी दहलान का है तो 3 सीढ़ी चढ़कर इन दहलान में आएंगे और दक्षिण दिशा वाले मंदिर में जाना है तो दरवाजा खुलेगा 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उनको उलगकर दक्षिण दिशा वाले मंदिर में जाना है क्योंकि दक्षिण दिशा में जो मंदिर आया है उन मंदिर का लेवल और बुर्ज का लेवल एक समान आया है। बुर्ज में है और दक्षिण दिशा के मंदिर में जाना है
तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर जाना है। इसी प्रकार की शोभा उत्तर दिशा वाली बुर्ज की है। इन बुर्ज की पश्चिम दिशा से दक्षिण वाले मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर जाना है। तो दक्षिण दिशा वाले मंदिर में आएंगे 3 सीढ़ी चढ़कर तो खुद को 10 मंदिर की ढलान में पाएंगे। और उत्तर दिशा वाले मंदिर में जाना है तो 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर जाना है, क्योंकि बुर्ज और मंदिर का लेवल एक समान आया है। 10 मंदिर के लंबे छज्जे की शोभा, इन छज्जे के उत्तर तरफ देखते हैं और दक्षिण तरफ देखते हैं तो देखते हैं घेर कर जो 33 हाथ का मंदिरों का और बुर्ज का छज्जा आया है वो यहाँ तक आकर रह गया है। इनके ऊपर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, सुंदर चंद्रमा की शोभा आई है, तीजी फूम की प्रसाद की अति सुंदर शोभा। तक शोभा दिखी कि 10 मंदिर के दहलान के पूर्व तरफ 10 मंदिर का लंबा छज्जा जो हमारी तीजी फूम की प्रसाद है उनकी शोभा आई है। छज्जे के पूर्व किनार पर 10 स्तंभ खुले जिन पर 9 मेहराबे आई है। उत्तर दक्षिण दिलवी की मेहराब की शोभा है, उनमें सुंदर कठेड़ा, आगे 10 मंदिर के जो हास में बुर्ज आए हैं उनकी शोभा का वर्णन अभी तक देखा। आगे बढ़ते हैं दहलान और मंदिर कैसी। 10 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा दहलान। पूर्व दिशा में 10 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, ये 2 मंदिर की चौड़ाई है, उनमें 1 मंदिर की चौड़ाई जरोखे में शामिल मानते हैं। 1 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी दहलान, 1 मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा चरोखा। इन दोनों के मध्य जो 1 मंदिर की जगह बची उन्हें वाणी में चौक करके कहा है। दहलान, चौक और चरोखे की जमीन एक समान आई है, जमीन एक बराबर आई है। 10 मंदिर की दहलान की शोभा, मध्य भाग में 4 मंदिर की दहलान आई है। इन दहलान के उत्तर तरफ भी 3 मंदिर और दक्षिण तरफ भी 3 मंदिर। इन दहलान के साथ लगता पहला मंदिर नीले रंग का अति सुंदर शोभायमान हो रहा है। दहलान के साथ लगता पहला मंदिर सुंदर नीले रंग का, दूसरा मंदिर नीले और पीले रंग में अति सुंदर शोभायमान होता हुआ, तीसरा मंदिर पीले रंग में पीली आभा फैलाता हुआ। उत्तर दिशा में भी 3 मंदिर आए हैं। 10 मंदिर की जो दहलान आई है उनमें 4 मंदिर के दाएं बाएं जो 3-3 मंदिर का स्थान आया है, जब जरूरत होती है तो इनकी पूर्व दीवार में दीवार बन जाती है। सुंदर नूरमयी मेहराब, इनमें 3 मेहराबे, इन 3 में पुनः 3-3 मेहराबे बन जाती हैं। मध्य में अक्ष आता है। दाएं बाएं यदि की सुंदर खुले मेहराबी द्वारों की शोभा आती है, वो 6 जाली द्वारों की शोभा आती है। ये जो शोभा देखी, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3-3, ठीक मध्य में अक्ष, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। ये जो 4 मंदिर की दहलान के दोनों ओर 3-3 मंदिर आए हैं उनकी पूर्व दीवार में इसी प्रकार की शोभा आई है। और इन मंदिरों की जो बगली दीवारें हैं उन दीवारों में एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबे, ठीक मध्य में दरवाजा, इसी प्रकार की बनक आई है। दहलान के दक्षिण तरफ जो नीला न पीले रंग का अति सुंदर मंदिर आया है उनमें सुख सीज्या है। सुख सीज्या में 4 पाए हैं, 4 पायों पर 4 डांडे शोभायमान है। सीजिया रेशम की अति नरम दीवार से बुनी हुई है। 4 डांडों पर छतरी आई है, छतरी की शोभा।
चार कलश चार दांडों पर आई है और एक कलश 32 छतरी पर आया है। इन सुख सीचा पर गादी चद्दर अति सुंदर शिवायमान शोभा, दक्षिण दिशा में सुंदर नूर में 2 तकिए और पूर्व दिशा में सुंदर नूर की चौकियां। उतरने के वास्ते अब इन मंदिर की पूर्व तरफ 2 मंदिर की दूरी पर मध्य अक्ष के सामने कठेरे के साथ लगता हुआ किलम पर एक सिंहासन अति सुंदर शोभा दे रहा है। चार मंदिर की दहलान, दूसरा मंदिर नीला ना पीला मंदिर। इन मंदिर के ठीक सामने 1 मंदिर की दूरी पर सिंहासन की शोभा। इस सिंहासन के पश्चिम तरफ 2 सुंदर नूर की चौकी धरी है। तीसरी भूमि मंदिरों की पहली हार, मंदिरों की दूसरी हार। 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण तरफ 1 मंदिर की दूरी पर आसमानी रंग के मंदिर की शोभा हुई। आसमानी रंग के मंदिर की शोभा श्यामा जी के श्रृंगार का मंदिर। दूसरी हार मंदिरों के 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण तरफ 1 मंदिर की दूरी पर। इस तरह से शोभा देखी कि 10 मंदिर की दहलान, जिनमें मध्य में 4 मंदिर की दहलान और दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। ये मंदिर समय बढ़ने पर आवश्यकता होने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दहलान के दक्षिण तरफ 2 मंदिर नीलो न पीलो रंग का आया है, जिसमें सुख सीचा की शोभा है। इन मंदिर के ठीक सामने तीजी भूम के प्रशाल की पूर्व दिशा में जो कठेड़ा आया है उनके साथ लगता सिंहासन की शोभा ही है। और दूसरी हार जो मंदिर आए हैं उनमें 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण तरफ 1 मंदिर की दूरी पर आसमानी रंग के मंदिर की शोभा आई है।